गुजरात एटीएस और राजस्व सूचना निदेशालय डीआरआई के संयुक्त अभियान के तहत कक्ष में कांडला बंदरगाह से करीब 16 किलोमीटर दूर एक निजी कंटेनर फिट स्टेशन सीएफएस से 2000 करोड़ रुपए की 350 किलोग्राम से अधिक हीरोइन जब्त की गई है। हीरोइन की ये बड़ी खेप बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात को जब्त की गई। अहमदाबाद मिरर के अनुसार एटीएस के अधिकारियों ने बताया कि उत्तराखंड में पंडरी सिसोना के बालाजी ट्रेडर्स द्वारा 39,04,400 किलोग्राम वजन के 10.318 जिप्सम पाउडर बैग के 17 कंटेनर आयात किए गए थे। यह खेप ईरान के बंदर अब्बास से आयात किया गया था। ये जानकारी भी सामने आई है कि जिस खेप से ड्रग्स जब्त किए गए हैं उसे अक्टूबर 2021 में लोड किया गया था। माना जा रहा है कि हीरोइन जब्ती का आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि फॉरेंसिक विशेषज्ञ जिप्सम पाउडर से हीरोइन को अलग करने के लिए बैग की जांच करते हैं। इस खेप के लिए 2,48,470 रुपये शुल्क का भुगतान किया गया था। आधिकारिक तौर पर दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के पास खेप लगभग 6 महीने से लवारिस पड़ी थी। एटीएस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमें एक गुप्त सूचना मिली है और हमने डीआरआई को सूचना दी भी है। फिलहाल गुजरात एटीएस और डीआरआई की एक टीम मामले की जांच कर रही है, लेकिन मामले को एनआईए को सौंपे जाने की संभावना है। ईरान से खेप आयात करने वाली कंपनी का पता लगाने के लिए गुजरात से एक टीम पहले ही उत्तराखंड के लिए रवाना हो चुकी है। अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें संदेह है कि यह खेप मूल तौर पर अफगानिस्तान के कंधार से आई थी, जिसे पाकिस्तान के नाम से ईरान ले जाया गया और वहां यह कंडला बंदरगाह के लिए रवाना किया गया। शुरुआत जांच में पता चला है कि हीरोइन को गुजरात से पंजाब और दिल्ली ले जाया जाना था। अधिकारियों ने कहा कि वे नशीले पदार्थों को पंजाब ले जाने के लिए ड्रग माफियाओं द्वारा अपनाए जाने वाले रास्तों को भी देख रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि बंदरगाह के कुछ कर्मचारी भी जांच के दायरे में हैं, क्योंकि खेप बंदरगाह से होकर निजी माल ढुलाई द्वारा स्टेशन पर उतरने में कामयाब रही। एक अधिकारी ने यह भी कहा कि हमें संदेह है कि इस जब्ती और मुंद्रा बंदरगाह से बरामद हीरोइन के बीच कोई संबंध है। इससे पहले सितंबर 2021 में मुंद्रा बंदरगाह से 2,998 किलोग्राम हीरोइन जब्त की गई थी। जांच से पता चला है कि टैल्क स्टोन पाउडर के साथ मिश्रित हीरोइन के साथ एक खेप मुंद्रा बंदरगाह पर अधिकारियों की नज़र से बच गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।